शिवा त्रिपाठी का कवित्री है। आमतौर से हिंदी मंचों पर कवित्रियां श्रृंगार के गीत के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस कवित्री ने श्रृंगार को कभी अपना विषय नहीं बनाया। इसके मस्तिष्क में जो बात आती है, समाज से संबंधित जो बात आती है, उसको अपना गीत का विषय बनाती है। मैं बड़े स्नेह से डॉक्टर शिवा त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूं। यह एक बड़ी बात है कि ऐसी कवित्रियां अभी हमारे मंच की इज्जत रखे हुए हैं, जो कसम हम खा सकते हैं कि नहीं, ये कवित्री ऐसी है जिसकी अपनी लेखनी से ये निश्चित कविता है। एक बार इसके सम्मान में आप ताली बजाएं और मैं उसे आमंत्रित करने के लिए आया हूं। असल में सर, अब तक कोई ऐसा कवि नहीं पैदा हुआ जो बाइक के साइज का हो। हाँ, कभी वो या तो बाइक से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगले साल से आप इंतजाम कर लीजिए, तो ट्विंटो का पैसा इसे रखिए, तो फिर इसे रखिए, जैसे जट खत्म हो जाए नीचे ऊपर करना पड़ता है। मंच से पुनः आदेश हुआ है काव्य पाठ के लिए। माँ शारदा को नमन करती हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, प्रभु धमज को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करती हूँ। कि प्यार की रस्म दिल से निभाते चलो, कि प्यार की रस्म दिल से निभाते चलो, नेह की धुन सदा गुनगुनाते चलो, नेह की धुन सदा गुनगुनाते चलो, कोई बाधा कहाँ पथ बिगा पाएगी, कोई बाधा कहाँ पथ डिगा पाएगी, आस का दीप मन में जलाते चलो, आस का दीप मन में जलाते चलो, प्यार की रस्म दिल से निभाते चलो। और इसी प्रकृति की चार पंक्तियां कि सत्य पथ पर सदा आप चलते रहें, कि सत्य पथ पर सदा आप चलते रहें, दुख मिले भी अगर तो भी हंसते रहें, दुख मिले भी अगर तो भी हंसते रहें, मुश्किलों से कभी हार मत मानिए, मुश्किलों से कभी हार मत मानिए, आप धारा बने और बहते रहें, आप धारा बने और बहते रहें, सत्य पथ पर सदा आप चलते रहें। और सनातनी छंदों की परंपरा का निर्वाह करते हुए कुछ छंद प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें समाज देश की कुछ विसंगतियां कि भारतीय संस्कार खो रहे हैं आज सब, भूल गए दया भाव बात उपदेश की, कि भारतीय संस्कार खो रहे हैं आज सब, भूल गए दया भाव बात उपदेश की, ओ भारती की रक्षा हेतु बाध रहे शब्द सेतु, मानी नहीं बात कभी निज परिवेश की, स्वार्थ की ये राजनीति भूल गए धर्म नीति, विषय विशेष रहा कामना विशेष की, और दर्द से कराह रही आज माता भारतीय, हो गई ये कैसी दशा आज मेरे देश, आज माता भारतीय, हो गई ये कैसी दशा आज मेरे देश की, नीति और अनीति में हो रहा है देखो द्वंद, सत्य और न्याय आज फिर से छला गया, कि नीति और अनीति में हो रहा है
एक द्वंद सत्य और न्याय आज फिर से चला गया और राजनीति का सियासी दांव पेच लगातार दीनहीन के घरों को फिर से जला गया। कैसे कर लूं भरोसा न्याय की प्रणाली पर जिनका ना दोष कोई वही कुछ ला गया। और उठो और आगे बढ़ो धैर्य अपना न छोड़ो देश देखो मेरा किस राह पे चला गया। और आगे बढ़ो धैर्य अपना न छोड़ो देश देखो मेरा किस राह पे चला गया। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। गीत के प्रारंभ में एक शब्द आता है आश। आश दर्शन का शब्द है और इसका अर्थ है कि वसुधैव कुटुंबकम। जहाँ एक चापावाद की बात हम करते हैं यह अभी शायद यह गीत मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ मंच से। बहुत प्रबुद्ध मंच है और मैं जानती हूँ कि इस गीत को बहुत आशीष मिलेगा। कि जीवन में जिन्होंने आर्ष को धारा नहीं होगा उन्हें उत्कर्ष भारत वर्ष का प्यारा नहीं होगा। कि जीवन में जिन्होंने आर्ष को धारा नहीं होगा उन्हें उत्कर्ष भारत वर्ष का प्यारा नहीं होगा। नहीं भाई जिन्हें है आज तक सद्भाव की बातें। नहीं भाई जिन्हें है आज तक सद्भाव की बातें। उजाले को निगलने बढ़ रही फिर स्याह ये रातें। कि जिनके हाथ में सत्ता वही उन्माद फैलाते वे देकर नाम विप्लव का युवा मन को है भड़काते। निरंकुश हो गए इतना निरंकुश देख पाएंगे। निरंकुश हो गए इतना निरंकुश देख पाएंगे। असत के सामने यह सत्य तो हारा नहीं होगा। असत के सामने यह सत्य तो हारा नहीं होगा। जीवन में जिन्होंने आर्ष को धारा नहीं होगा उन्हें उत्कर्ष भारत वर्ष का प्यारा नहीं होगा। जहाँ की क्यारियाँ केसर की खुशबू से महकती थी। जहाँ की क्यारियाँ केसर की खुशबू से महकती थी। जहाँ की घाटियों में प्यार की फसलें लहकती थी। वहाँ बारूद की खेती कहीं भी मत पनपने दो। संभालो लड़खड़ाते पाँव मत बहकने दो। कभी उन्माद के आगे न घुटने टेक कर बैठो। कभी उन्माद के आगे न घुटने टेक कर बैठो। जो है अन्याय का रक्षक कभी न्यारा नहीं होगा। जो है अन्याय का रक्षक कभी न्यारा नहीं होगा। तुम्हारे पास मोती है हमारे पास है सागर। तुम्हारे पास मोती है हमारे पास है सागर। सोनी पनघटों पर आज भी रीति पड़ी गागर। सोनी पनघटों पर आज भी रीति पड़ी गागर। न अपने को बदल पाए न बदले वर्जनाए हैं। अचेतन में नाभियों को सुलगती समस्याएं हैं। बदल कर स्वयं को सारी व्यवस्थाएं बदल डालो। स्वयं को सारी व्यवस्थाएं बदल डालो। अमीय भागीरथी का जल कभी खारा भागीरथी का जल कभी खारा नहीं होगा। जीवन में जिन्होंने आर्ष को धारा नहीं होगा
उन्हें उत्कर्ष भारत वर्ष का प्यारा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।